हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आप बहुत इजीली फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के थ्रू भी रेफर एंड अर्न करके आप पैसा कमा सकते हैं। जिस तरह से लोग गूगल पे के थ्रू रेफर एंड अर्न करके पैसा कमाते हैं, या फिर फोन पे के थ्रू रेफर एंड अर्न करके पैसा कमाते हैं, या फिर पेटीएम के थ्रू रेफर एंड अर्न करके पैसा कमाते हैं, तो अब गाइज आप उसी तरह सेम फ्लिपकार्ट के थ्रू भी आप रेफर एंड अर्न करके पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ से गाइज आप फ्लिपकार्ट के थ्रू रेफर एंड अर्न कैसे करेंगे और यहाँ पे आपको कैशबैक कैसे मिलेगा, कितना कैशबैक मिलेगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। यहाँ तक कि आज मैं आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू रेफर एंड अर्न करके पैसा कमाना भी सिखाऊंगा। तो इसके लिए गाइज आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो फाइनली गाइज, अब चलिए मैं बताता हूँ कौन सा इजी स्टेप है जिसको फॉलो करके आप बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट के थ्रू रेफर एंड अर्न करके आप बहुत जल्दी यहाँ पे कैशबैक कमा सकते हैं। तो देखिए गाइज, उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले गाइज, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट ऐप का लिंक मिलेगा। तो सबसे गाइज आप क्या करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। प्रॉपरली जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ ओपन क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। तो गाइज, जैसे आप यहाँ ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से गाइज आपको फ्लिपकार्ट में अपने एक न्यू नंबर से साइन अप कर लेना है। यहाँ पे गाइज आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप जिस नंबर से फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाए हैं तो सिंपली गाइज आपको अपने उस नंबर से यहाँ से नहीं लॉग इन करना है। सिंपली गाइज यहाँ पे आपको अपने एक न्यू नंबर से यहाँ पे साइन अप कर लेना है। अब जैसे गाइज आप यहाँ पे न्यू नंबर से साइन अप कर लेंगे, तो चलिए गाइज यहाँ से मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि आप यहाँ पर रेफर एंड अर्न करके आप पैसा कैसे कमाएंगे। तो देखिए गाइज, उसके लिए आपको क्या करना होगा। अभी गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ नीचे आएंगे और अब देखिए जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फिफ्थ ऑप्शन शो हो रहा होगा, होम का, कैटेगरी का, नोटिफिकेशन का, अकाउंट का, कार्ड का। तो उसमें लिखे जब आप क्या करेंगे, आप यहाँ अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो गाइज, जैसे आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ्लिपकार्ट में आपको जो अकाउंट डैशबोर्ड होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए गाइज यहाँ से बताता हूँ कि आप यहाँ पर रेफर एंड अर्न करके आप पैसा कैसे कमाएंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे कहीं भी ऑप्शन नहीं देखेगा रेफर एंड अर्न का। तो सिंपली गाइज आपको उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ ऊपर जाएंगे और जैसे आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखेगा हेल्प सेंटर का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। हेल्प सेंटर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपके सामने 24x7 का कस्टमर सपोर्ट पेज ओपन होगा। तो भी गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ नीचे जाएंगे। अब देखिए गाइज, जैसे आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख लिखा हुआ व्हाट इज यू आर यू फेसिंग, आपको क्या परेशानी आ रही है। तो अभी गाइज यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन चूज करना है, आई वॉन्ट हेल्प विथ अदर इशूज, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो फाइनली गाइज अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने इशू की लिस्ट ओपन करके आ जाएगी। तो भी गाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए फ्लैग आइकन शो हो रहा है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ रिपोर्ट एंड ईरर का। तो समझिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब गाइज जैसे आप क्लिक करेंगे रिपोर्ट एंड ईरर, तो यहाँ पे गाइज आपके सामने कुछ ईरर के यहाँ से लिस्ट आ जाएगी ओपन करके। तो भैया आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन एक शो हो रहा है अदर्स का, तो देखिए आप इस अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो फाइनली गाइज अब देखिए, जैसे आप अदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लिखा हुआ इशू स्टिल नॉट रिजॉल्व, कह रहा कि ऐसा कौन सा इशू है जो अभी तक आपका सॉल्व नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हुआ। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट अस का, तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे। कॉन्टेक्ट अस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो भैया आप क्या करेंगे, आप यहाँ नीचे आएंगे और देखिए जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउ डू यू विश टू कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर चैनल्स आर बिजी, तो कह रहा है कि अभी जितने भी चैनल्स हैं वो यहाँ पे बिजी हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि आपकी क्या इच्छा है जो आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपके सामने ऐसा इशू आ रहा है कि आर चैनल्स आर बिजी और यहाँ से गाइज आपका यहाँ पे कस्टमर केयर से नहीं हेल्प हो पा रहा है, तो भैया आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब गाइज जैसे आप एग्जिट हो जाएंगे तो आप यहाँ से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, और अब गाइज जैसे आप यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आप यहाँ सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर टाइप करके सर्च कर देना है। तो फाइनली गाइज अब देखिए, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपके सामने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर का जो भी नंबर होगा वो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1800208 9898, तो सिंपली गाइज अभी आप आगे क्या करेंगे वो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी आप क्या करेंगे, जो नंबर है आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि सर मैं फ्लिपकार्ट में अपने एक नए नंबर से अपना एक नया अकाउंट क्रिएट किया हूँ, तो यहाँ से गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनसे ऐसे बात करेंगे कि आप जो है प्लीज हमारे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन जो रेफर एंड अर्न का जो प्रोग्राम ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल कर दे, ताकि यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के थ्रू रेफर एंड अर्न करके यहाँ पे कैशबैक कमा पाऊँ और यहाँ से जो इतने भी फ्लिपकार्ट यूजर हैं फ्लिपकार्ट यूजर्स की यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह से गाइज जब आप बात करेंगे तो क्या होगा कि आपके फ्लिपकार्ट में जो रेफर एंड अर्न का ऑप्शन होगा वो आपके फ्लिपकार्ट में कुछ टाइम बाद यहाँ पे शो होने लगेगा, और जैसे ही शो होगा तो आप यहाँ रेफर एंड अर्न करके आप बहुत जल्दी यहाँ पे कैशबैक कमा सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप बहुत जल्दी आप फ्लिपकार्ट के थ्रू रेफर एंड अर्न करके आप बहुत सारा कैशबैक कमा सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।